एक्स्ट्रा टाइम। जब माइंड में सवाल बहुत हो तो फिर जवाब ढूंढने के लिए हम लोग अक्सर बहुत सारे डायरेक्शंस में जाते हैं, लेकिन यहाँ सभी क्रिकेट रिलेटेड सवालों का जवाब आपको मिलता है। एक बड़ा सवाल जो सभी के माइंड में घूम रहा है कि ये आईपीएल या फिर वर्ल्ड टी20 फाइनली होगा तो होगा कहाँ, क्या डेट्स होंगे, क्या नहीं होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आज यहीं पर मिलेगी, तो हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम है अभिषेक। हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू एक्स्ट्रा टाइम लाइव। मेरे साथ तीन एमिनेंट पर्सनालिटीज रोज की तरह, स्टार्ट विद चंद्रेश नारायण, आल्सो वाज विद आईसीसी दिल्ली डेयर डेविल्स एंड नाउ क्रिकेट कॉन्सेप्ट, इनका अपना यूट्यूब चैनल है। कैसे दादा? मैं बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। देवाशीष दा ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता, इनफैक्ट ही ऑल्सो हैज सम इनसाइड इन्फॉर्मेशन बट वो बाद में बताएंगे। एंड ऑफकोर्स गौतम भट्टाचार्य, गौतम दा वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, हम सबके प्रिय, और सारी चीजें इस वक्त हम इन्हीं से जानेंगे, बता देते हैं पहले। कैसे हैं गौतम दा? थैंक यू, अच्छा है अभिषेक, ग्रेट। तो आज शुरुआत आप ही से करते हैं। आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो हम में से किसी को नहीं मालूम है, वो बता दीजिए प्लीज। देखिए, हम लोगों को तो ऑफिशियली मालूम करेंगे जून 28 के बाद ही, बट जैसे 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 यू नो ईच डे जा रहा है, इट इज बिकमिंग वेरी क्लियर जो बीसीसीआई का जो ब्लूप्रिंट बनाया है, एक्चुअली उन्होंने इसका पीछे काम करना शुरू किया पॉसिबली पहले से, बट आईसीसी का जो मीटिंग था ऑन जून 1, जिसमें आईसीसी ने भी क्लियर कर दिया कि यूएई को, यूएई वाज ऑलरेडी अ स्टैंड बाय, बट उसके साथ उसका जो प्लान है, हम लोग दूसरा दिन ग्राउंड्स के बारे में कुछ बात कर रहे थे तो उसके साथ एक नेबरिंग गल्फ कंट्री का बात किया, तो दैट आल्सो बिकम वेरी क्लियर दैट इट्स गोइंग टू बी ओमान। सो आफ्टर दैट द नेक्स्ट 4-5 डेज जो बीसीसीआई का टॉप ब्रास उधर अभी है, वेदर इट इज सौरभ गांगुली, जय शाह, राजीव शुक्ला, अरुण धुमल एंड ऑफकोर्स ब्रिजेश पटेल। ब्रिजेश जी ने लास्ट टाइम आईपीएल उधर निपटाने में ही टुक अ वेरी यू नो की रोल। They are now working towards first the IPL and then of course the T20 World Cup. Because जहां आप IPL करेंगे, the logic now is no longer your COVID situation. उधर ही आपको T20 World Cup करना पड़ेगा if you want to get the top cricketers in action. So this is the scenario in a nutshell. Right. You go to Chandresh bhai, agreeing with whatever the scenario is, इसके अलावा और कोई option भी नहीं था। एक्चुअली अगर आप इस प्रोग्राम के शुरुआत में देखें तो सौरभ गांगुली आते हैं और कहते हैं एक्स्ट्रा टाइम, तो उन्होंने आईसीसी के तरफ से एक्स्ट्रा टाइम तो मांगा था, बट वो आई थिंक वो एक्स्ट्रा टाइम उनको मिलेगा नहीं, और वो आई थिंक वो सिर्फ एक फेस सेविंग फार्मूला था, बिकॉज हमको दुनिया को दिखाना है कि हम सबसे ताकतवर बोर्ड हैं। तो हमने पहले कहा कि हम आईसीसी को हर साल वर्ल्ड कप करने नहीं देंगे, बट जब आया मीटिंग में पिछले हफ्ते, हर साल एक वर्ल्ड इवेंट है आईसीसी का, तो मतलब इसमें हट दिखाने का पहला क्या मतलब था, और उसके बाद, और ये हमारे साथ अक्सर हुआ है, हम डीआरएस को अलाउ नहीं करेंगे, और आज ही हम डीआरएस करें, हम टी20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम टी20, हम आईपीएल को हम ही आगे लेके जा रहे हैं, तो वही है बात। और आई डोंट थिंक और कोई जरिया था, जैसे दादा ने कहा दिस इज द मोस्ट लॉजिकल स्टेप, और आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन सीइंग द डेवलपमेंट ऑफ ओमान एज अ वेन्यू एज वेल, बिकॉज मुझे लगता है वक्त आ गया है कि गल्फ में 2-3 और ऐसे स्टेडियम बने या और ऑप्शंस बने, ताकि एक ही कंट्री क्लॉग ना हो। अब ऐसा हो रहा है कि अगले 8-10 महीने के लिए बहुत सारा क्रिकेट यूएई में होने वाला और है उधर मेन 3 स्टेडियम्स ही, तो इस ऐसे में साल के एंड तक अगर इंडिया न्यूजीलैंड को खेलने वाला है तो शायद वो भी वहीं पर हो, तो वी डोंट वांट अ सिनेरियो वेयर बॉल जमीन पर रेंगते हुए जाए टेस्ट सीरीज में जब इंडिया न्यूजीलैंड के साथ खेले, तो आई थिंक इसलिए बहुत लॉजिकल स्टेप है कि वो ओमान में एक एडिशनल वेन्यू हो, और बहुत खूबसूरत ग्राउंड है, मैं चाहूंगा सब लोग देखें उस ग्राउंड को एक बार, बहुत खूबसूरत ग्राउंड है वो मस्कट में। देवाशीष, योर व्यूज प्लीज।
ये तो दो सीनियर्स हैं, हमसे गौतम दा और चंद्रेश दोनों ने क्लियर कर दिया कि क्योंकि देखिए T20 वर्ल्ड कप तो UAE में ही होना था। ऑब्वियसली कल एक डेवलपमेंट आया था कि ओमान में शायद क्वालिफाइज हो सकता है, क्योंकि ओमान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन में उसने भी इंटरेस्ट जताई कि ही इज विलिंग टू, बिकॉज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ICC ने भी अप्रूव किया हुआ है। वहाँ वनडे इंटरनेशनल हुआ, वहाँ T20 इंटरनेशनल हुआ, अभी बाकी रह गया टेस्ट मैच, आगे का दिन में शायद वो भी हो जाएगा। तो देखिए, मगर और उससे भी अच्छा एक बड़ा डेवलपमेंट जो सुनने को आ रहा है कि IPL T20 IPL का जो फाइनल है वो शायद स्ट्रेच किया जाएगा टिल अक्टूबर 18। तो ये एक बहुत ही अकलमंदी की बात है, क्योंकि इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन। अगर आप 8 दिन का अगर मोहलत आपको मिलता है तो यू कैन स्ट्रेच इट टू द टू अक्टूबर 18, तो ताकि आपको डबल हेडर्स कम किया जाए, क्योंकि इतना गर्मी है कि इट विल टेक अ टोल ऑन द प्लेयर्स, क्योंकि प्लेयर्स के ऊपर बहुत ही ये एक हानिकारी होगा। क्योंकि देखिए एक्सेसिव गर्मी है उधर, हम सभी गौतम दा चंद्रेश तो हमसे अच्छा बोल सकते हैं क्योंकि दे हैव बीन स्टेइंग देयर फॉर क्वाइट सम टाइम। तो देखिए ये दिस विल बी अ वेरी वेरी प्रूडेंट डिसीजन फ्रॉम BCCI इफ दे कैन मैनेज टू स्क्वीज इन एक्स्ट्रा 8 डेज। अगर IPL फाइनल को अक्टूबर 18 तक लिया जाए तो वो डबल हेडर्स कम होगा, तो ये सबके लिए अच्छा होगा। द प्लेयर्स द प्लेयर्स हेल्थ इज पैरामाउंट हियर। गौतम दा, जैसे कि अभी चंद्रेश भाई ने भी बताया, देवाशीष दा ने भी बताया, काफी टाइम तक रह भी चुके हैं, बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, चंद्रेश भाई ने बताया। तो ओमान में या फिर बाकी गल्फ कंट्रीज में क्रिकेट की क्रेज कितनी है या फॉलोइंग कितनी है? डिस्टेंस वाइज तो जैसा ओमान है, आई मीन आप ड्राइव करके जाएंगे तो आपका 5 साढ़े 5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। लॉट ऑफ पीपल प्रेफर टू डू दैट ऑन वीकेंड्स। इफ यू टेक अ फ्लाइट 40 से 50 मिनट में टेक ऑफ करेंगे और उतरेंगे। नाउ व्हाई द रीजन बिहाइंड चूजिंग ओमान इज, यू नो दैट इज द प्लेस, यू नो एज ए नेबरिंग कंट्री जिसमें क्रिकेटिंग कल्चर थोड़ा बहुत है, इंडियन एक्सपर्ट्स ज्यादा है। बीच बीच में ओमान सरप्राइजिंग रिजल्ट्स भी किया है एज एन एसोसिएट कंट्री। और उधर आज नहीं, आई थिंक इन अर्ली 2000, आई थिंक चंद्रेश कैन बेयर मी आउट, समबडी लाइक संदीप पटेल हैड कम एंड कोच्ड ओमान एंड दे प्रोड्यूस सम गुड रिजल्ट्स। सो बिकॉज एक तो है जी कि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का प्रेजेंस है एंड सो क्लोज टू UAE, तो इट रियली मेक सेंस। और मेरा ख्याल है कि हम लोग पहले दिन जो एक चर्चा हो रहा था उसमें तो हम लोग शायद नोस्ट्राडामस के जैसा बात किया कि UAE के लिए कुछ, चंद्रेश ने बताया था शायद UAE के लिए कुछ और एक दो ऑल्टरनेट वेन्यूज ढूंढना पड़ेगा। तो UAE में है, आजमान में भी है, देन इमिरेट्स का जो सेवेंस वेन्यू है उधर में भी है, चंद्रेश शायद वाज हिंटिंग एट दैट। Convert them into international venues. I mean, after all, this is a World Cup, and then get the sanction from ICC. That is something बाद में दिखा जाएगा। Right now, it's a very good move. Once again, I will quote चंद्रेश, वो बोलता है कि जैसे मोजेस बोलता है कि the sea will part to make way. तो ऐसा ही लग रहा है, हो रहा है कि the impossible is is going to happen. एंड ये एक ओनली लॉजिक है वेयर बाय ये जो जो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड है और इंग्लैंड बोर्ड है इसको कन्विंस अब कर सकते हैं कि इफ देयर इज नो रिस्क ऑफ द प्लेयर्स ट्रैवलिंग, इफ ICC इज ट्रीटेड एज अ इफ IPL इज ट्रीटेड एज अ काइंड ऑफ वार्म अप इवेंट फॉर द ICC वर्ल्ड कप वर्ल्ड T20, तो इसी डायरेक्शन में अभी पूरा चीज जा रहा है। तो चंद्रेश भाई, विकेट्स का भी खासा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वेयर एंड टेयर तो होगा ही, लेकिन फिर भी ये बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क होगा इतने सारे में, मेक श्योर कि एटलीस्ट विकेट लिव्स अप टू इट्स एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल, आखिरकार जो कांटेस्ट है वो बैट बॉल का, वो 22 गज का जो पिच होगा उस पर निर्भर होता है। तो आई थिंक दैट आप चाहेंगे, क्योंकि पिछले बार अगर आपको याद हो T20 वर्ल्ड कप जब इंडिया में हुआ था, नागपुर में इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ था और वहाँ पे एकदम एक अखाड़ा जैसा था पिच, और न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने
भारत को हराया था T20 वर्ल्ड कप में, वो भी नागपुर में। तो आई थिंक दैट आपको ये बात बहुत गौर देना पड़ेगा, और ICC आई थिंक इस सब को देख के ही वो चाहता है कि काफ़ी वक्त पहले उनको पता चल जाए, बिकॉज जैसे हमारे इंडिया में तो हम तो शादी के मंडप के तरह आखिरी दिन तक हम स्ट्रेच कर सकते हैं सब कुछ कि अब तो 6 महीने हैं, 4 महीने हैं, 5 महीने हैं, ये काफ़ी बार मैं सुनता हूँ, इतनी जल्दी क्या है, क्योंकि हमको आदत है। रिलायंस वर्ल्ड कप के कुछ दिन पहले तक भी हमको नहीं पता था कि वर्ल्ड कप होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो आई थिंक हमें वो आदत है। बट ये ICC अब वो गेम बदल गया पूरी तरह से, तो दे नीड एटलीस्ट सम टाइम टू सिक्योर सम प्लेस, फर्स्ट राउंड कराना टूर्नामेंट का, पिच को देखना, इसीलिए आई थिंक वो जो एक गढ़ है टूर्नामेंट का उसको मस्कट लेके जा रहे हैं ताकि पिच को उतना आप कम वेयर आउट करें। एक लॉजिक ये था कि पिछले साल 60 मैच हुआ था IPL का UAE में, तो 75 मैचेस क्यों नहीं हो सकता। तो बट आई थिंक दैट यू हैव टू बी रीजनेबल, ये एक वर्ल्ड इवेंट है, IPL एट द एंड ऑफ द डे इज अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट, तो आई थिंक दैट इन दैट सेंस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स अ सेंसिबल मूव, जैसे मैं कह रहा था बार बार कि ओमान को भी देखा जाए एक एडिशनल वेन्यू के तौर पर। देवाशिता, ये सवाल काफी आता है, मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दे पॉइंट्स के साथ कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया न्यूजीलैंड का जो टूर है वो शायद जैसे कि चंद्रेश भाई ने कहा कि UAE में शिफ्ट हो जाए अगर यहाँ हालात ठीक नहीं हुए, तो क्या ये नहीं हो सकता कि इंडिया चली जाए न्यूजीलैंड खेलने के लिए, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो? नहीं, वो हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए FTP के तहत आप एक बार एक देश में जाते और इंटर्न वो देश आता है खेलने के लिए। तो न्यूजीलैंड में तो हाल ही में हम लोग गया, 2020 को शुरू 20 का शुरू में हम लोग गया, तो डजंट मेक सेंस कि ऑब्वियसली इट इज़ न्यूजीलैंड टर्न टू कम टू इंडिया रादर। तो ऐसे ही होता है FTP का तहत। तो अभी देखिए, क्योंकि देखिए आगे जैसे जैसे परिस्थिति अभी जो हालात है, मुझे नहीं लगता कुछ इन नियर फ्यूचर एटलीस्ट इन दिस ईयर वील गेट टू सी एनी क्रिकेट, एनी इंटरनेशनल क्रिकेट। अभी परिस्थिति जो है कोविड का, अभी अगर थर्ड वेव आता है तो पता नहीं है वो क्या होगा नहीं होगा, तो इट्स ऑल प्रोज एंड कॉन्स। बट देन देखिए, अभी जो फिलहाल जो स्थिति है, परिस्थिति है देश में, इसके चलते इंटरनेशनल क्रिकेट, देखिए BCCI ने डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू नहीं कर पाया। अभी रणजी ट्रॉफी को लेके तो कुछ चर्चा नहीं हुआ स्पेशल जनरल मीटिंग, हालांकि वो होना था मगर हुआ नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके भी कुछ डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि वो शुरू भी नहीं कर पा रहा है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अगर T20 वर्ल्ड कप भी अगर चला जाता है तब आपको मानना ही है कि देयर सम सीरियस इशू कंसर्निंग द सिचुएशन हियर इन द कंट्री एट द मोमेंट। तो मुझे नहीं लगता कि जल्द से जल्द हमको कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट देखने को मिलेगा इंडिया में। नहीं, मैं कह रहा था ये कि पहली बात तो आई थिंक देवाशीष इज रॉन्ग, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस किए स्पेशल जनरल मीटिंग में। पता नहीं मुझे क्यों इनको लग रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज IPL भी एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। तो आई थिंक दैट आपका आई थिंक थोड़ा विजन आपको थोड़ा ब्रॉडन करना पड़ेगा इस मामले में, और आपको अगर लग रहा है कि रणजी ट्रॉफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो देन मे बी आई थिंक यू आर लिविंग इन द रॉन्ग एरा। और दूसरी बात यह है कि आप जो कह रहे थे कि वो इंडिया चला जाए न्यूजीलैंड में, वो एक रीज़न जो बताया देवाशीष ने वो तो है, बट दूसरी बात ये भी है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऐसा है कि 3 होम सीरीज और 3 अवे सीरीज, हमने पिछले साइकिल में उनके यहाँ पर जाके हम खेल के आ चुके हैं, इस बार हमारा टर्न है। बट आपने जो सुझाव दिया वैसे कर चुका है पाकिस्तान, कर चुका है, बट दैट वॉज इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बिकॉज वहाँ पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम था, इसलिए दे वेंट टू न्यूजीलैंड, बट इट वॉज एक्चुअली पाकिस्तान turn to host that. So I think ये हो चुका है, but again coming back to the point, domestic cricket भी नहीं हो रहा है, तो I think that bilateral cricket तो मेरे ख्याल से मुश्किल ही है। ना, this could be also a blessing in disguise, और भी देश जो खेल रहे हैं, ये भी हो सकता है कि इसके बाद देखा जाए उनके यहाँ से उनका जो local talent है वो सामने है, ना कि इंडिया पाकिस्तान और श्रीलंका के जो खेलते हैं generally जैसा हो। Is the question for me, Abhishek? Yes, sir. I think the audio is creating some issue. Can you repeat the question, please?
मैं बोल रहा था कि अभी दिस कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द स्मॉलर नेशन जो कि अभी डेवलप कर रहे हैं क्रिकेट के फील्ड में, कि ऐसे टूर्नामेंट्स अगर उनके यहाँ हो, एक्सपोजर हो, तो उनका यहाँ का लोकल टैलेंट जो है वो आएगा सामने, उनकी टीम में खेलेंगे। अभी जैसा हो रहा है वैसा नहीं कि इंडियन, श्रीलंका और पाकिस्तान से वही खेलते हैं उनकी टीम में, लोकल टैलेंट उतना नहीं आता है सामने, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए अभिषेक, मेरे जो एक्सपीरियंस है यूएई में इतने साल का, मैं बोल सकता हूँ कि ये लॉजिक ज्यादातर से अप्लाई नहीं होता। आई मीन यूएई, देखिए यूएई का होस्ट के हिसाब से जो रेपुटेशन है, आई मीन आप क्रिकेट बोलिए, टेनिस बोलिए, गोल्फ बोलिए, यू नो एज ए होस्ट जैसा रेपुटेशन है, आप अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोकल टैलेंट्स ज्यादा होंगे, तो एक्सपोजर मिलती है और उन लोगों के साथ जाके कुछ यू नो टाइम बिताएंगे, ऐसा ज्यादा रिजल्ट हम लोगों को क्या नहीं है। आई मीन जब 2014 में यूएई में फर्स्ट लेग आया था आईपीएल, तो एक बंदा था चिराग सूरी, उस वाइस कैप्टन ऑफ द यूएई टीम, इज आल्सो रीजनेबली गुड प्लेयर। तो चिराग ने 2017 में गुजरात लायंस जो टीम था उसमें चिराग ने आया फॉर बेस प्राइस। ओके, तो ऑब्वियसली आई मीन उस टीम में ब्रेंडन मैकलम था, सुरेश रैना कैप्टन था, ऑब्वियसली वो उस बेचारा को चांस नहीं मिला। लास्ट टाइम जो आईपीएल हुआ उधर किया देगा, उधर जो यूए के स्कीपर है वो आहमेद राजा और एक दो प्लेयर्स, दे वर टेकन एज नेट बॉलर्स इन मुंबई इंडियंस, आरसीबी एटसेट्रा। इससे बढ़कर आई मीन अगर कोई एक्सेप्शनल टैलेंट सामने आए तो अच्छा होगा, वी विल ऑल्सो बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम। सो फार तो we haven't seen anybody of that stature or somebody who really shown up. भाई, योर व्यूज प्लीज ऑन द सेम क्वेश्चन। नहीं, आई एग्री विथ दादा कंप्लीटली, बिकॉज इफ यू लुक एट द नेचर ऑफ गल्फ कंट्रीज, इट इज मेजरली एक्सपैट ड्रिवन एरिया। मेजर पॉपुलेशन जो है वो एक्सपैट्स है, मतलब इंडियंस, पाकिस्तानी, ब्रिटिशर्स, अमेरिकन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो ज़्यादा है। एंड सो दैट्स व्हाई यू यू विल फाइंड दैट मोर एंड मोर ऑफ दोज काइंड ऑफ पीपल प्ले रादर देन द लोकल्स, बिकॉज लोकल्स आर इन लेसर नंबर्स। लोकल प्लेयर्स भी हैं, जैसे यूएई के टीम में यू हैव अ प्लेयर हु कुड हैव अ इमराती फादर एंड अ पाकिस्तानी मदर एंड gets interested in cricket and so on and so forth, वो है। But usually it is the expats because that's the nature of the countries in those countries over there. So I agree with Dada completely that I don't think you will see like a major interest being developed. It's not like in other country, जैसे बाकी country में, अगर छोटे country में आप जाके खेलो, अभी आप नेपाल में जाके suppose खेलोगे तो वहाँ पे तो मतलब take off हो जाएगा तो cricket। अभी भी है, बहुत चरम पे है अभी इस वक्त, वहाँ पे 20-30 हज़ार लोग आते हैं मैच देखने के लिए। तो आई थिंक दैट इट इज डिफरेंट इन अ कंट्री लाइक नेपाल विच हैज अ स्ट्रॉन्ग लोकल पॉपुलेशन और उसमें क्रिकेट में इंटरेस्ट है, और गल्फ में अलग डायनामिक्स है। तो आई डोंट थिंक दिस लॉजिक कैन वर्क। बताऊंगा, कुछ टाइम पहले हम लोगों ने देखा था कि मोरक्को एक जगह निकला था जहाँ टूर्नामेंट्स भी होते थे बीच में, लेकिन उसके बाद इट्स समवॉट फेडेड आउट। तो वी हैव टू मेक श्योर, या फिर आईसीसी आल्सो हैव ओमान के साथ या बाकी जगह जहां मैचेस दे वहां ये वाली प्रॉब्लम ना, रेगुलर उन लोगों को मैचेस या एक्सपोजर मिलता रहे, ये क्या बहुत डिफिकल्ट होगा आगे चल के या मैनेजेबल हो सकता है? नहीं, आई थिंक मोरक्को जो था, इफ आई रिकॉर्ड करेक्टली, उधर जो यू नो शारजा के बाद जो मार्क मस्करेनस थे, यू नो हमारे मार्क मस्करेनस एंड शायद मिस्टर बुकातिर का भी एक इनिशिएटिव था उधर एक स्टेडियम बनाने के लिए, दैट इज नॉर्थ अफ्रीका, शायद उधर भी यू नो सब कॉन्टिनेंट एक्सपर्ट पॉपुलेशन का हमें पता नहीं ठीक से कैसा है। ओमान इज फार इजियर। ओमान में क्या होगा, ओमान में और एक चीज हो सकता है कि और नेबरिंग कंट्रीज का यू नो इट कैन बी अ वीकेंड गेट अवे, जाके थोड़ा क्रिकेट देख के आओ तो क्रिकेट टूरिज्म हो जाएगा, बिकॉज ओमान इज अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्री टू विजिट, तो उसको अगर एक्सप्लॉइट हो सकता है, क्योंकि UAE now it is a tried and tested place. Mumbai, Abu Dhabi, Sharjah had been the most historic of them. Sharjah has hosted the highest number of one-day internationals. So
इन तीनों का दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड। इफ सम अदर न्यू वेन्यू जिसमें थोड़ा नोवेल्टी फैक्टर होगा कि अगर ग्राउंड दिखाई रहे तो ग्राउंड के पीछे ऑन द होराइजन इफ यू कैन शो द यू नो द कोस्ट लाइन जैसे श्रीलंका में होता है हर वक्त तो ये इंटरेस्टिंग होगा। पता नहीं हमें कहाँ से पोटेंशियल तो है एंड इट इज टाइम टू बिल्ड ऑन दिस। मैं एक चीज शायद गौतम दा मेरे से सहमत होंगे चंद्रेश भी, क्योंकि मैं जब 2018 में हम जब एशिया कप कवर करने गया था तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमने विजिट किया था शारजा स्टेडियम स्टेडियम में, तो हमने देखा था कि इट वाज ऑल इन शैम्बल्स क्योंकि लिटर इधर उधर खराब पड़ा है, इट वाज नॉट वेल मेंटेन्ड कंपेयर टू मॉडर्न स्टेडियम्स लाइक दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम्स और अबू धाबी, क्योंकि जहाँ पे अक्सर मैचेस ज़्यादा होती है अभी, क्योंकि देखिए आईपीएल जब होती है और अक्सर खास एक आध इंटरनेशनल मैच होता है ज़रूर, मगर एक ज़माने में जो था जो शारजा में इट वॉज द हब कहते हैं ना, हर साल में दो बड़ा टूर्नामेंट होता ही था शारजा में, वो अभी नहीं है। क्योंकि मैं शारजा क्रिकेट स्टेडियम के सीईओ से भी मिला है 2018 में, तो वो भी कह रहा था कि देखिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट होता है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में और अबू धाबी में, क्योंकि शारजा में उतना मैचेस नहीं होते। तो ये जो हम लोग का जो डिस्कशन था ना कि वाई आर कि लोकल्स वाई आर दे कमिंग अप, तो ये भी एक रीज़न है कि देखिए जब आपके पास तीन वेन्यू है और दो एक वेन्यू का वो बोलता है ना कि यू ट्रीट एज अ स्टेप मदरली एटीट्यूड, तो यही है रियल लाइफ। आई मे बी रॉन्ग बट मुझे लगा कि कंपेयर टू दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम और अबू धाबी शारजा इज नेग्लेक्टेड समवॉट। मैं बीच में इसमें थोड़ा इंटरजेक्ट करता हूँ, नेग्लेक्ट का बात नहीं है, ये बात ऐसा है कि देखिए शारजा स्टेडियम तो हुआ है इन अर्ली 80s एंड देन 1985 दे प्लेड देयर फर्स्ट मैचेस, तो तब तक जो एक ग्राउंड एंड इट इज इन अ वेरी कंजेस्टेड एरिया, अगर उस एरिया को आप यू नो तोड़ फोड़ के रिस्ट्रक्चरिंग करें कि पार्किंग एरियाज बढ़ाया जाए ऐसा कुछ किया जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। ऐसा नहीं है कि स्पेस नहीं है, उसका बाजू में एडजेसेंट एरिया में उसका यू नो फुटबॉल का स्टेडियम भी है, हो सकता है, लेकिन ये इट्स अ वेरी यू नो एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन। शारजा क्रिकेट काउंसिल व्हाट दे डू इज टू कीप अप विद द टाइम्स, जैसे ये दोनों आईपीएल के टाइम में भी वो लोग किया, जब पाकिस्तान आते थे वो लोग करते थे बीच बीच में और पीस मिल बेसिस, उन्होंने बहुत कम किया। उन लोगों का जो यू नो द ड्रेसिंग रूम्स पहले जो था और अभी जो हुआ इज रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट, बट स्टिल इट हैज अ काइंड ऑफ ओल्ड वर्ल्ड चार्म एंड यू नो कंपेयर नहीं हो सकता है विद दुबई विच इज रियली अ स्टेट ऑफ द आर्ट यू नो व्हेन यू द प्लेयर्स आर एंटरिंग थ्रू वन एग्जिट कंप्लीटली सेम मीडिया सेंटर कंप्लीटली डिफरेंट, सो इसीलिए एंड दे आर मोर मॉडर्न यू नो एंड सो दैट इज हाउ द स्टोरी हैज अनफोल्डेड। ऐसा नहीं व्हेनेवर पाकिस्तान हैज प्लेड आपको वही कचरा मिलेगा सब जगह, तो इट इज रॉन्ग टू से दैट इट्स जस्ट शारजा। आई एग्री दैट मैचेस उतने नहीं हुए हैं ओवर द इयर्स, बट आई थिंक दैट अभी भी काफी मैचेस होते हैं वहां पे, अफगानिस्तान के भी काफी मैचेस होते हैं वहां पे, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम लाइक दादा सेड they keep refurbishing the tournament the venue and they keep updating the venue and like he said wo ek old world charm hai uska and it's sort of landlocked but tino venues mein wo sabse zyada accessible ground hai for public because baki dono stadium jo hai wo shehar ke bahar ke taraf hai so I think in that aapka pass agar aapka khud ka you know convince nahi hai तो दुबई स्टेडियम पहुंचना आई मीन चंद्रेश यूज्ड टू वर्क देयर आई मीन नेक्स्ट डोर फॉर इयर्स यू कैन आस्क हिम, दुबई स्टेडियम पहुंचना नहीं तो अबू धाबी स्टेडियम पहुंचना मुश्किल का। बिल्कुल सही बात है, और सो आई थिंक दैट इन दैट सेंस शारजा जैसे दादा ने कहा इट्स गॉट इट्स ओन ओल्ड वर्ल्ड चार्म, और शारजा स्टेडियम जो है इन अ वे इट मतलब जैसे वानखेड़े स्टेडियम है, एक तरफ रेलवे ट्रैक है दूसरे तरफ मरीन ड्राइव है, वो उससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता,
तो जो भी करना है उसी के अंदर करना है, अगर आपको वानखेड़े स्टेडियम को एज इन बॉम्बे प्रीमियर वेन्यू चूज करना है। और दूसरा सवाल आपका अभिषेक, जो आप पूछ रहे थे अबाउट क्रिकेट इन अदर कंट्रीज, हर कंट्री मतलब देयर आर अबाउट 106 कंट्रीज हु आर मेंबर्स ऑफ आईसीसी एंड 94 कंट्रीज में क्रिकेट होता है अपार्ट फ्रॉम द 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस, और रेगुलर टूर्नामेंट्स होता है, रेगुलर बायलैटरल सीरीज हो रहा है, कल भी आयरलैंड ने नेदरलैंड्स को हराया, तो रेगुलरली हो रहा है क्रिकेट सब लेवल पे। जो उनका जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स है वो इस वक्त नहीं हो रहा बिकॉज आईसीसी के पास बायो बबल मेंटेन करने के लिए उन्होंने फैक्टर नहीं किया बजट, तो वो सब जगह सात सात दिन का करना और प्लेयर्स को गैदर करना वो उन्होंने अभी तक फैक्टर नहीं किया, वरना वो टूर्नामेंट्स भी कंटिन्यू होते पिछले एक साल। सवाल मेरा आप तीनों से, जो आई एम श्योर हमारे बहुत सारे दर्शक, आईसीसी क्या पॉइंट्स जो है एंड शेयर अ फ्यू, कैन यू रिपीट? अभिषेक आपका आवाज कट गया। ओके एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि आईसीसी जब कोई नया वेन्यू सेलेक्ट करता है तो फिर क्या फैक्टर्स हैं जो माइंड में रखते हैं, कुछ पॉइंट्स अगर हम लोग शेयर कर पाए बिफोर सेलेक्टिंग अ न्यू वेन्यू और न्यू सिटी और अ न्यू स्टेडियम। I think, I mean, if you ask me for the criteria, I mean, there is a certain basic criteria will be there. I mean, I'm speaking more from common sense that the security angle comes into play. Now, there should be no access, the media facilities, the dressing rooms, all these things will be there. Sharjah, hum log isi ke pehle Sharjah ka baat kar raha tha. Sharjah mein jo hai ki शारजा का अगर आप प्रैक्टिस एरिया देखे बाहर जो था, तो आपको यू नो आपको लगेगा कि यही जगह पे एक दिन यू नो नेट्स में शायद वसीम अकरम बॉल डिलीवरीज डाल रहे थे, शेन वॉन डाल रहे थे, सचिन वुड हैव बीन हिटिंग, तो ऐसा ही था जमाना। आई मीन यू नो सो दैट इज इट। ऑब्वियसली आई थिंक द रिक्वायरमेंट्स हैव इंक्रीज, बट जैसे चंद्रेश ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि हमारे जो हेलोड वेन्यूज है इंडिया में, अब अगर आप इफ यू कम टू द गैलरीज ऑफ इवन ईडन गार्डन्स, दे नीड रिफर्बिशमेंट डेफिनेटली, चेन्नई बेंगलोर दे नीड रिफर्बिशमेंट, जो नए स्टेडियम्स हुआ है, आई मीन इफ यू आर टॉकिंग, आई हैवंट बीन टू नागपुर बट आई हर्ड इट्स क्वाइट गुड, हैदराबाद वन, चंडीगढ़ इज नो लॉन्गर ए न्यू वन बट चंडीगढ़ वाज रिलेटिवली न्यू, सो हियर द सिचुएशन इज मच बेटर। नहीं बिल्कुल, जो जैसे पॉइंट्स बताया दादा ने वही पॉइंट्स मैं भी एग्री करता हूँ, प्लस आई थिंक दैट दे हैव अ सर्टेन चेकलिस्ट दैट दे फॉलो व्हेन दे लुक एट अ वेन्यू, मतलब एक्सेसिबिलिटी टू द ग्राउंड, होटल कितना दूर है, ड्रेसिंग रूम्स कैसा है, ठीक है कि नहीं है, अंपायर्स के लिए फैसिलिटीज क्या है, कितने टॉयलेट्स हैं, कितने एग्जिट पॉइंट्स है फॉर द फैंस टू गेट आउट एंड गेट इन, ये सारी चीज़ें वो नोटिस करते हैं एंड दे कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल दैट, एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। एंड मोर इम्पोर्टेंटली इन दिस केस, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी मस्केट से एज एन एडिशनल वेन्यू, इट्स अबाउट वॉट काइंड ऑफ अरेंजमेंट दैट बी सी सी आई हैज़ विद द ओमान क्रिकेट बोर्ड, because that will also be very important, because they've been very clear, the ICC, that BCCI will continue to remain the host even if the T20 World Cup moves to UAE and Oman. So I think in that sense, it's going to be very interesting because of that. Bashir, if you'd like to add anything? There's not much to add, because I think Oman Cricket Board will also be anticipating that maybe they will get a chance to host it. क्योंकि देखिए होस्टिंग द वर्ल्ड कप का मतलब देयर विल बी ऑब्वियसली रेवेन्यूज तो होगा ही, क्योंकि आई डोंट नो चंद्रेश इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गेट सेल मनी जो होता है कि इट्स नॉर्मली शेयर्ड विद द होस्ट कंट्री, और फॉर इंस्टेंस अभी यूएई में अगर होता है तो गेट सेल मनी किसके पास जाएगा, विल इट बी गोइंग टू द बीसीसीआई और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड एंड बीसीसीआई विल बी शेयरिंग इट? I think in this case, what will happen is that it will go to the BCCI and then the BCCI will share it with the venues. But yahan pe thoda ek page ye hai
एमिरेट्स में द सिस्टम इज डिफरेंट, जहाँ पे द वेन्यूज आर इंडिपेंडेंट कंपनीज, शारजा एक अलग कंपनी है, दुबई स्पोर्ट्स सिटी है, अबू धाबी क्रिकेट, हाँ, सो दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट तो दे हैव टू रीच आउट एंड डू सेपरेट अरेंजमेंट्स विद ऑल थ्री और डू एन अरेंजमेंट विद द एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड कि दिस इज योर शेयर, बिकॉज वो जमाना गया कि जब एवरीथिंग वॉज ओन्ड बाई दी होस्ट, स्पॉन्सर भी आप ही लेके आओ, टीवी भी आप ही अरेंज करो, वो जमाना गया। अभी इट इज आईसीसी विच अरेंजेस एवरीथिंग, सो टॉप लाइन सारा कुछ आईसीसी का होता है, ये गेट्स और परमिशन और ये वो सब वो होस्ट का होता है। टू सी कि यूएई इतना वर्कलोड मैनेज कैसे करता है आईसीसी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ओमान एज अ न्यू वेन्यू कैसा प्लेयर आउट करता है। वी विल ऑल वेट फॉर इट। आज के लिए थैंक यू सो मच चंद्रेश भाई, टू हैविंग यू अगेन ऑन द शो। थैंक यू।